Assalamu alaikum, dear students. Once again, I welcome you all in radio lecture. Today, we will be discussing about the philosophy of the poem, The Tale of the Custard the Dragon. And this poem is actually a poem regarding a person who is usually perceived by others as a monotonous, a dreary, a simple person. Or sometimes he would be considered among the lazy persons. But at the time of risk or at the time of requirement, he presents himself as something more beneficial than the others who proclaim it themselves to be brave. In the same fashion here, a dragon, you might have heard of the word dragon. Dragon is actually an imaginary creature used in the folklore, or it's typically something kept held in high values by the Chinese and especially the Mongols. Dragon is not something which is a real entity. It's an imaginary creature, and it's supposed that it bursts out flames through his mouth. Okay, anyway, this is about the dragon, a story about the dragon. And the dragon, which was supposed by the others is very monotonous and lazy and coward, later he proved himself to be the greatest among those who proclaimed themselves to be brave. Okay, without further ado, I would directly narrate the story. The poet Odin Nash writes, Belinda lived in a little white house. This is one of the characters of the poem which we are going to know about, with a little black kitten and a little grey mouse. Here is the main character, Belinda. 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 She has a cat, a mouse. For example, a cat, a mouse. A little yellow dog and a little red wagon. A dog. And a wagon. Dear students, wagon is simply a four-wheel carriage, usually pulled by horses. घोड़े खींचते जिसको चार पहियों वाली एक छोटी सी गाड़ी होती है उसको वैगन कहते हैं. एक लाल वैगन थी. बिलिंडा यहाँ का करेक्टर है. उसके पास एक बिल्ली थी बेचा, एक चूहा और एक कुत्ता और एक वैगन था. And really, truly, your little pet dragon. अब यहाँ पर है तो ये real और true ही है. Real और true को थोड़ा rhyme बनाने के लिए I लियो बता दिया इसने. सच में, सचमुच में, हकीकत में उसके पास एक और पालतू क्या था? Dragon था. क्या था? Dragon. पता चला कुल कितने लोग थे यहाँ? चार मेन जानवर थे जिनको बिलिंडा ने पाल रखा था, और एक गाड़ी भी थी जहां वो बैठते थे या घर के अंदर वो गाड़ी थी. ये पोएम का पहला स्टेंजा जो काफी इजी है. दूसरा, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल बिले कैटन वाज इंक. और बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक. बिल्ली के बच्चे का नाम क्या था बेटा? इंक. ताकि आपको पोएम ठीक से समझ में आ जाए. इसी सिमिलरली, और वो जो माउस था उसका नाम था बिलिंक. इस माउस का नाम क्या था? बिलिंक. बिलिंक. इस तरीके से कुत्ते का नाम था मस्टर्ड. कुत्ते का नाम क्या था? मस्टर्ड. ओके. और ड्रैगन का नाम था कैस्टर्ड. अब समझ में आ गई ये कहानी के चार करेक्टर है इस पूरे पॉइंट के जो हमें मैसेज देने वाला पॉइंट है. बहरहाल इसका हम समरी और सेंट्रल आइडिया बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको आइडिया आ गया यहां से. माउस का नाम ये है, कैट का नाम ये, डॉग का नाम ये, ड्रैगन का नाम ये है. ओके. बट द ड्रैगन वॉज कॉल्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. बिलिंडा खुद समझती थी कि ये ड्रैगन जो है बुजदिल है. प्यारे बच्चों, बुजदिल, अमोन आप बुजदिल कहते हैं. बुजदिल नहीं, ये बुजदिल है, यानी बकरी का दिल रखने वाला, छोटा दिल रखने वाला. इसको कवर्ड समझते थे. कौन? बिलिंडा कवर्ड समझती थी कि दिस गाय इज बुजदिल एंड आई एम कवर्ड. ही वुड नॉट डू एनीथिंग इन केस ऑफ एनी डेंजर. ओके. देन व्हाट हैपेंस? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब कस्टर्ड का यहाँ कैरेक्टर बयान किया जा रहा है. उसके फिजिकल जो मॉर्फोलॉजी है उसको बयान किया जा रहा है. क्या था? मतलब उसके शार्प दांत थे. पहली चीज ये पैराग्राफ नंबर 3 है, सॉरी सेंटेंस नंबर 3 है. इन स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ ह्यूमन स्केल्स अंडरनीथ. और जाहिर सी बात है आपने अमूमन देखा होगा जो लिजर्ड वगैरह है, घोड़ा वगैरह है,
की जिस्म के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, यूं स्पाइक्स होते हैं वो आप जानते हैं बेटा, शाबाश, बिल्कुल। आप में से जो लोग नौजवान है वो बालों को ऐसी स्पाइक बनाते हैं मालूम भी होगा। और नीचे जो है स्केल्स थे, जैसे कि अमूमन मछली में होता है और लिजर्ड वगैरह में होता है स्केल्स थे। किस पर? ये ड्रैगन कैरेक्टर है, ये ड्रैगन का फिजिकल जो अपेयरेंस है वो ऐसा था। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, अब जाहिर सी बात है ड्रैगन जो इमेजिनरी मखलूक है जो अपने मुंह से आग छोड़ता है, तो यहां भी उसका जो मुंह था गोया वो क्या था? फायर प्लेस था, जैसे कि आग निकलने की जगह हो। ए चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज, और उसका नाक जो है चिमनी, जैसे कि आपने घर, आपके घर में जो चिमनी होती है वहां से फ्लेम जलता है ना तो धुआं बाहर निकल के चला जाता है, तो गोया इस कस्टर्ड का नाक जो है चिमनी का काम करता था। And really, your, truly, your daggers on his toe, और उससे भी खतरनाक उसके टोस में, यानी उसके जो अंगूठे हैं सामने के पैर के, पैरों के, उनमें क्या थे? ड्रैगर्स थे। ड्रैगर आप जानते हैं बेटा, एक किस्म का वो यूं समझो चाकू, ड्रैगर एक चाकू होता है जो दोनों एंड में शार्प होता है, यहां से भी शार्प होता है, यहां से भी शार्प होता है। तो यहां पर ये जो तीसरा स्टिंजा है ना बेटा, उसमें किया क्या है? दरअसल द पॉइंट इज डिस्क्राइबिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रैगन, अबाउट हिज टीथ, अबाउट हिज फिजिकल बॉडी, अबाउट हिज टोस, ईच पार्ट ऑफ ड्रैगन्स बॉडी। देन द फोर्थ स्टिंजा, बिलिंडा वाज ए ब्रेव एस ए पेरिल फुल ऑफ बियर्ड्स, ये मुहावरा है यहां पर कि बिलिंडा इतनी मोटी थी जैसे कि किसी बैरल में बहुत सारे बालों को भरा गया हो, यानी बालू होता ही बड़ा मोटा घना होता है, अब ऐसे बहुत सारे बालों किसी बैरल में भर दिया जाए तो कितना टाइट। गो यार बिलिंडा काफी फेटी थी, यानी जो इनकी मालकिन थी वो काफी फेटी थी। एंड इन कैन ब्लिंग चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंग जो है अपने आप को फख्र करके वो तारीफ करते थे, हम तो कुत शेर को, यानी ये जो कुत सॉरी केट और माउस है ये दोनों फख्र से कहते थे हमारा तो क्या कहना, हम तो शेर को पछाड़ देंगे, हम तो शेर को सीढ़ियों से नीचे उतार के फेंक देंगे, यानी हम शेर को भगाने वाले हैं, हमारे पास इतनी ताकत है जंगल के बादशाह को हम डराते हैं। मस्टर्ड वॉस एस प्रवेश टाइगर एंड रेड, और मस्टर्ड कुत्ता अपने आप को ऐसा कहता था कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं टाइगर बन जाता हूँ, टाइगर का काम करता हूँ, यानी मैं टाइगर की तरह खतरनाक बन सकता हूँ, ये सब अपनी अपनी तारीफ करते थे। फिर बट कस्टर्ड ट्राइड फॉर अ नाइस सेफ कैच, बेचारा जो कस्टर्ड था जो इतने सबसे ताकतवर था, नाइस एक अच्छे से सेफ कैच, आप जानते ना बेटा ये तो हो गया ना नशेमन, सॉरी सॉरी नशेमन तो और भी टफ हो गया आपके लिए, नशेमन में नहीं कहूंगा, नशेमन समझ में नहीं आएगा आपको, हम कहेंगे इसका जो हैबिटेट है ना केज, आपने देखा होगा ना कफस पिंजरा, शाबाश ये अच्छा है, कफस भी पिंजरा होता है ना इसका, तो बेचारा कस्टर्ड समझता था यार इनके ये तू तू मैं मैं, या इनकी जो तारीफ, और ये मुझे अब मुझे जलील समझते हैं, मुझे बुजदिल समझते हैं, बेहतर है मैं किसी जगह आराम से बैठा रहूं, यानी उसको लगता था बेचारे को ऐसा पुरसकून नहीं था उस माहौल में इन चारों के साथ। बस लास्ट रखा बेटा, लास्ट सिंजा, बिलिंडा टेकल्ड हिम, शी टेकल्ड हिम अनमर्सिफुली, टेकल का मतलब होता है किसी को इस तरह से पिंच करना हाथ से या लकड़ी से ताकि उसको गुदगुदी कराए और उसको तकलीफ कराए, और अनमर्सिफुली बेरहमी के साथ उसको वो चुबाती थी, लकड़ी चुबाती थी, हाथ चुबाते थे बेचारे, वो तकलीफ कराते थे वो लोग, कौन मालकिन खुद तकलीफ कराते थे, यूं कभी याद आते जिसने पाल के रखा था वो तकलीफ कराती थी उसको। इन पिलिंग के मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इन पिलिंग और जो ये जो तीनों कैरेक्टर थे उसको कहते थे पर्सिवल। ओके डियर्स, पर्सिवल क्या है? देखें ये जो वर्ड है ना पर्सिवल, पुराने जमाने के किस्से कहानियों में एक ऐसे बहादुर का नाम है जिसने बहुत बड़े बादशाह को या बहुत खतरनाक काम किया था, लेकिन चूंकि वो शरीफ था, चूंकि वो शरीफ था लेकिन उसका नाम मशहूर नहीं था, यानी पर्सिवल क्या है बना? एन इमेजिनरी कैरेक्टर इन मैनी नेशंस फोकलोर, फोकलोर होता है ना बेटा जो अमूमन सकाफत होती है ना किसी गांव की, किसी मोहल्ले की, किसी जगह की, किसी मुल्क की, उन सकाफत में एक कैरेक्टर का नाम है पर्सिवल, जैसे कि हमारे यहाँ ईरानियों के पास रुस्तम है, खैर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है ताकतवर का नाम, पर्सिवल भी एक कैरेक्टर था जो था शरीफ था लेकिन काफी बहादुर था, तो कुत्ता बिल्ली और चूहा उसको कहते थे ये तो पर्सिवल है।
They all sat laughing in the little red wagon. वो चारों बिलिंडा केट माउस और डॉग उस वैगन के ऊपर बैठकर उस बेचारे का मजाक उड़ाते रहते थे. किसका? ड्रैगन का. ड्रैगन. और ये कहते थे कि सचमुच में हकीकत में ये ड्रैगन तो बुजदिल है, बुजदिल है, बुजदिल है, बुजदिल है. इस किस्म के ताने देते थे. यानी द सरकास्टिकल एटीट्यूड shown by these four characters of our poem actually we will see later inshallah made Kester the dragon the most brave and dangerous and who saved them all from a pirate we will study later inshallah thank you khuda hafiz ye poem to kabhi aasan hai main nahi kahunga ya samajh mein nahi aayega to ye kafi aasan hai khuda hafiz thank you for watching this video